नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित गुप्ता। दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस के यूट्यूब वीडियो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे स्टेशन मास्टर पद के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 जो होता है, इसके बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, स्टेशन मास्टर पद के लिए मेडिकल का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो A2 कैटेगरी का होता है। अब ये A2 कैटेगरी क्या है? दोस्तों, A2 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड में स्टेशन मास्टर की जो आईसाइट्स हैं, सबसे पहले उनको जांचा जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि क्या इस कैंडिडेट की आईसाइट नियर विजन में 0.6 है या नहीं और डिस्टेंट विजन में 6/9 है या नहीं। दोस्तों, A2 कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड में नियर विजन 0.6 को 0.6 तक रखा जाता है। इसके बाद में डिस्टेंट विजन 6/9 तक रखा गया है। आगे स्टेशन मास्टर पद के लिए जो कैंडिडेट होता है वह वर्णांधता का रोगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर को अपने एक पैनल पर कार्य करना होता है और उस पैनल में लाल, हरी और पीली बत्तियां होती हैं। और अगर स्टेशन मास्टर वर्णांधता का रोगी है तो वह यह जज नहीं कर पाएगा, क्लियरली जज नहीं कर पाएगा कि उसे कौन से बटन को दबाना है, और उससे वो गलत सिग्नल को दे सकता है और वो एक एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। इसके बाद में स्टेशन मास्टर को पूरी तरीके से शारीरिक तौर पर फिट होना चाहिए। पूरी तरीके से शारीरिक तौर पर फिट होने का अर्थ यह है कि जैसे कि कई बार कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं हर्निया हाइड्रोसिल आदि की, तो हर्निया हाइड्रोसिल के केस में जो स्टेशन मास्टर को जो स्टेशन मास्टर पद के लिए कैंडिडेट होता है उसे टेम्प्ररी मेडिकल अनफिट किया जाता है। और टेम्प्ररी मेडिकल अनफिट का अर्थ यह है कि वह सर्जरी करवाकर वापस आए और अपना मेडिकल चेकअप दोबारा करवाए और वह स्टेशन मास्टर पद के लिए एलिजिबल बन सकता है। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कैंडिडेट ने आई साइट्स के लिए किसी भी तरह की कोई सर्जरी करवाई है तो भैया आपको बता दूं, मेडिकल टेस्ट जब लिया जाता है तो ये तक जांचा जाता है कि इसने कहीं कोई लैसिक सर्जरी या फेको सर्जरी तो नहीं करवाई है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में ये चीज भी पकड़ में आ जाती है। तो मेरी आप सबसे विनती यही रहेगी कि ऐसी भूल ना ही की जाए तो ही बेहतर होगा। और बाकी कोई विशेष मेडिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा होते नहीं है, बस मेन यही है कि आँखों का थोड़ा सा हमें ध्यान रख के चलना होता है। आगे अगर कुछ साथी जिनकी आई साइट्स मान लीजिए 6/9 की जगह 6/12 तक है या थोड़ी और भी ज़्यादा है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप कुछ समय के लिए 2-3-4 महीने के लिए अपने खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल करें। देखिए, हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी है कि और खान पान भी थोड़ा ऐसा है कि आईज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मोबाइल काम में लेना, लैपटॉप काम में लेना, इन सब चीज़ों से आई साइट्स पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा इन पर कम काम कीजिए, इन्हें थोड़ा कम काम में लीजिए, साथ ही अपने खान पान में थोड़ा हेल्दी फूड को शामिल भी कीजिए। उसके अलावा अपने आस पास जो भी कोई अच्छा आई साइट्स का बढ़िया अगर कोई सेंटर है तो वहाँ पर भी आप जाइए, और वहाँ से कुछ जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं वो भी आप लोगों को बताई जाती है, और कुछ मेडिसिन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपकी आँखों को रिकवर करने में सहायता सब करती है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।